मेरी बहन, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर ने आदम को रचा और धरती की प्रभुता दी। धरती की प्रभुता क्यों दी? ताकि परमेश्वर चाहता था कि स्वर्ग का कानून धरती पर आए। आदम के द्वारा परमेश्वर का कानून धरती पर आए और परमेश्वर धरती पर राज्य करे। हालेलुया। लेकिन आदम ने पाप किया और धरती पर शैतान ने अपना कानून, अपना साम्राज्य बैठा दिया। उसके कानून के अनुसार, उसकी परंपराओं के अनुसार आज तक दुनिया चल रही है और लोग दुखी हैं। लोग दुखी हैं, समझ नहीं पा रहे कि हम कहां जाएं, क्या करें, कैसे सुख को पाएं। जिस सुख को समझते हैं कि वो सुख है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सुख नहीं लगता है। इंसान धोखे मरे। आज इंसान खुद धोखा खा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के कानून को नहीं जानता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अपने कानून के बारे में बताऊं, अपनी वाचा के बारे में बताऊं, अपनी इच्छा के बारे में बताऊं, ताकि उस इच्छा के अनुसार, उस कानून के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिताएंगे तो विश्वास करिए, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में काम करेगी। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम धोखे में। हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम उस कानून को नहीं जान रहे हैं, उसकी इच्छा को नहीं समझ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है, आज का जो वचन है, आज का वचन अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार, परमेश्वर अपने सामर्थ्य के अनुसार, परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार, अपने सत्य के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार आपके जीवन में काम करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उसको समझें। कितने लोग समझना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आज से मेरे जीवन में कोई दुख और अशांति ना रहे? मैं विश्वास करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज ये एक घंटा पूरी ईमानदारी के संग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए लगाइए। आपका जीवन बदलेगा। फर्स्ट किंग, पहला राजा 18:1। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के मन को जानेंगे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के सामर्थ को समझेंगे। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करिए, जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में काम करती है, वो चाहता है, यही तो उसकी इच्छा है कि हम आशीष पाएं, सुख पाएं और आजाद हो जाएं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हम दुखी हैं क्योंकि उस सत्य के अनुसार नहीं चल रहे हम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो सत्य जो अद्भुत है, जो सत्य सामर्थी है, वो सत्य जो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने धरती पर प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया, वो सत्य हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, वो सत्य को हम पहचान नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान के बंधक बने हुए हैं, डर के बंधक बने हुए हैं। हालेलुया। आज का वचन, विश्वास करिए, आपके जीवन को बदलेगा। फर्स्ट किंग 18:1। तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जा अपने आप को आहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है परमेश्वर? जा। किसे कह रहा है? आपको कह रहा है, जा मुझे दुनिया पर प्रकट कर, जा बता कि मैं कौन हूं, दुनिया को बता कि मैं न्यायी हूं, दुनिया को प्रकट करके मैं प्रेमी हूं, दुनिया को प्रकट कर कि मैं अनुग्रह लेकर धरती पर आया हूं।
दुनिया को प्रकट कर कि मैं सामर्थ्य हूं, मैं ही जीवन दाता हूं, मैं ही मुक्ति दाता हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है जिसका हम दूसरा नाम ले। हालेलुया, बता दुनिया को, बता, प्रकट कर। मेरी बहन, जब आप प्रकट करेंगे परमेश्वर को इस दुनिया पर, जब आप प्रकट करेंगे परमेश्वर को अपने रिश्तेदारों पर, जब आप प्रकट करेंगे परमेश्वर को दुनिया पर, तो बारिश होगी। हालेलुया, आकाश से बारिश होगी, आग बरसेगी, अंधकार भस्म हो जाएगा और ज्योति की रोशनी आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया, प्रकट कर। क्या हुआ था यहां पर? एलिया, एक जो नबी था परमेश्वर की ओर से आया था, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको कोई मां बाप के बारे में नहीं पता हमें। उस समय राजा आहाब था जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता था, उसने हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, उसके नबियों को मारा, उसके विरोध में काम किया, और एक दिन परमेश्वर के द्वारा उसका दूत, उसका नबी आहाब के महल में दाखिल होता है और वो क्या कहता है? आहाब, तेरी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई है और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक आकाश से वर्षा नहीं होगी, ओस नहीं बरसेगी मेरे कहने के द्वारा। हालेलुया, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आहाब जो बाल देवता को पूछता था, अशेरा को पूछता था, उसकी बीबी एलिजेबेल, हालेलुया, जेजबेल, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही शैतानी हरकतों से पूरी तरीके से बंधी हुई थी, परमेश्वर के विरुद्ध हर काम करती थी, उसके कानून के विरुद्ध काम करती थी। हालेलुया, लेकिन जब बारिश बंद हुई, अकाल पड़ गया, उस पूरे देश में अकाल पड़ गया, कहीं से वर्षा नहीं, ओस नहीं, और राजा आहाब, प्रजा हाहाकार करने लगी, राजा हमें पानी चाहिए, राजा हमें सुख चाहिए, हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, हम मर रहे हैं, हमारे पशु मर रहे हैं। राजा आहाब खोज रहा है, एलिया कहां है, एलिया कहां है, जो बोल के गया था कि आकाश से बारिश नहीं होगी, वो कहां है? लेकिन एलिया कहीं नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को छिपा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, जब आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर आपसे छिप जाता है। अपनी योजनाओं को परमेश्वर ने नबियों के द्वारा इस धरती पर भेजा, मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, उन नबियों ने बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उन नबियों ने कहा कि परमेश्वर कौन है, लेकिन उसकी प्रजा इज़राइलीस कभी समझते थे, कभी नहीं समझते थे, और हर बार वो परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करता रहा, सामर्थी काम करता रहा, अपना दिल खोल कर उनके सामने रखता था कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, हर समस्या से उनको निकाला, हर दासत्व से उनको निकाला, लेकिन उसकी प्रजा नहीं समझी, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करती रही। नबियों के द्वारा परमेश्वर ने उनको बात समझाने की कोशिश की, दुश्मनों के द्वारा परमेश्वर ने उनको बात समझाने की कोशिश की, मरी के द्वारा, बीमारियों के द्वारा परमेश्वर ने समझाया कि मेरी ओर आओ, मेरी ओर आओ, मैं हूं परमेश्वर, मैं हूं सर्वशक्तिमान। दुश्मनों ने इज़राइल पर चढ़ाई की, परमेश्वर ने होने दिया ताकि वो चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे आए और मेरे सामने कहें कि हमें बचा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढें। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा आपने बहुत 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 बुरे काम किए परमेश्वर की दृष्टि में, और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी। अब 3 साल के बाद परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जा, आहाब के पास जा और प्रकट कर, उपस्थित हो, क्योंकि मैं आहाब के द्वारा बताना चाहता हूं, मैं इस संसार को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है,
परमेश्वर खुद को आप पर प्रकट करना चाहता है, वचनों के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा वो आप पर खुद को प्रकट करना चाहता है, ताकि आप उसके साथ रहें, उसकी उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी योजनाओं को समझे और शैतान को पहचाने, ताकि शैतान आपके जीवन में काम ना कर सके। हालेलुया। एलिया राजा आहाब से मिला, प्रेज द लॉर्ड। राजा आहाब क्या कहता है, देखिए, जब आप परमेश्वर के बंदे होते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जब परमेश्वर की वाचा आपके साथ होती है, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 18 का 17 से पढ़ेंगे हम। पहला राजा 18 का 17 से, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? आहाब जो उसको ढूंढ रहा था, 3 साल से बरसात नहीं हो रही थी, लोग मर रहे थे, त्राही त्राही मचा रहे थे, एलिया को देखते ही आहाब ने क्या कहा, बोलिए, ए इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? ए इज़राइल के सताने वाले, तू कहां है? हम तुझे कब से खोज रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एलिया जो परमेश्वर का बंदा था, लेकिन एलिया जो परमेश्वर का नबी था, लेकिन एलिया जो परमेश्वर के सम्मुख रहता था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पास कौन था? परमेश्वर की योजना थी, उसके पास क्या था? परमेश्वर की इच्छा थी, उसका मन था। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसको प्रकट करें। जब हम परमेश्वर को दुनिया में प्रकट करेंगे, दुनिया के ऊपर प्रकट करेंगे, दुश्मनों पर प्रकट करेंगे, तो परमेश्वर बारिश भेजेगा, वो सुकून, वो बारिश हमारी आशाओं को सुख देगी, आधार देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस निराशा को आशा देगी। आज जो आशाएं मर चुकी हैं, आज जो निराशा में पड़े हैं लोग, आज जो बेबस हैं, आज जो कहते हैं हम कहां जाएं, कौन है जो हमारी रखवाली करेगा, कौन है जो हमें थामेगा, कौन है जो हमारे आंसुओं को पोछेगा, मैं कहता हूं परमेश्वर है। वो कहता है मैं ही आशा हूं, मैं ही जीवन हूं। हमें उस जीवन को अपने अपने अंदर लेना है, वो जीवन जो हमारे अंदर है, उस जीवन को जागृत करकर प्रस्तुत करना है दुनिया के सामने। हम कौन है? हम यीशु में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा है। इसलिए कोई भी दुष्टात्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती, कोई भी शैतानी शक्ति हमारे छू नहीं सकती है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, उसके लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, उसके लहू से हम सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा एलिया से, एलिया जा और राजा आहाब पर प्रकट कर। लेकिन जैसे ही राजा आहाब के पास एलिया गया, राजा आहाब क्या कहता, 17वां पढ़िए। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने क्या कहा? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। आमीन। एलिया जो परमेश्वर का नबी था, कौन था एलिया के सामने? राजा। Praise the Lord. लेकिन एलिया के अंदर कौन था? राजाओं का राजा। Praise the Lord. मेरी बहन, हमारे अंदर कौन है? राजाओं का राजा। इसलिए हमारे सामने किसी राजा की कोई बिसात नहीं है, किसी शैतान की कोई बिसात नहीं है। क्या कहता है एलिया? कि मैंने नहीं सताया राजा, तूने और तेरे पिता ने सताया है। एलिया राजा के महल में खड़े होकर उसको चुनौती देता है, उसको आदेश देता है। ये कौन कर सकता है?
ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रभु हो, जिसके अंदर परमात्मा हो, जिसके अंदर सामर्थ हो, जिसके अंदर यीशु हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, आप अपनी शक्तियों को समझिए। आपके अंदर यीशु है। शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मुसीबतें आपके आपके जीवन को छू नहीं सकती। मुश्किलें आपको कुछ नहीं कर सकती। आप बोलिए अपनी मुश्किलों को, आप बोलिए मुसीबत को, निकाल यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे जीवन से। कुछ नहीं हो सकता है, आपके पास यीशु है। आपके संग प्रभु है, आपके संग परमेश्वर है, राजाओं का राजा आपके अंदर है। हालेलुया। कौन आपका बाल बांका करेगा? कौन आपको छुएगा? कोई दुश्मन? उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। राजा आहाब के सामने एलिया खड़ा होता है कि मैंने परेशान नहीं किया राजा, तूने परेशान किया है, और तेरे पिता ने मेरे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तू भोग। हालेलुया। आज परमेश्वर को ऐसे नबी चाहिए, आज परमेश्वर को ऐसे आदमी चाहिए, आज परमेश्वर को ऐसे चेले चाहिए जो दुनिया के सामने बताएं कि मेरा परमेश्वर महान है। हमें परमेश्वर को अपने अंदर लेकर हिंदुस्तान में निकलना है ताकि हम बताएं कि हमारे अंदर कौन है। वो राजाओं का राजा है। एलिया आदेश देता है उसको, क्या आदेश देता है? देखिए आगे बढ़िए। अब दूध भेज कर सारे इज़राइल को और बाल के सारे। दूध भेज, हे राजा आहाब, तुझे बारिश चाहिए? तेरे पशु पक्षी मर रहे हैं ना, तुझे जीवन चाहिए? अब जा दूध भेज, अपने दूतों को भेज, इज़राइलियों को बुला, बाल देवताओं के याचकों को बुला जिसको तू पूछता है, अशेरा के याचकों को बुला जिसके सामने तू नतमस्तक करता है, बुला उनको, और कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर। मैं तुझे बताऊंगा मेरा परमेश्वर कौन है, मैं तुझे बताऊंगा वो सामर्थी पिता कौन है, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया परमेश्वर के विरुद्ध आवाज उठाकर, मैं तुझे बताऊंगा। कर्मेल पर्वत पर उसको लेकर आ। हालेलुया। अगला। तब आहाब ने सारे इज़राइल को बुला और भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आमीन। जब बाल देवता के याजक 400, अशेरा के याजक 450, जब कर्मेल पर्वत पर इकट्ठे हो गए, एलिया ने क्या कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? प्रेज द लॉर्ड। तुम लटक रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा आधार नहीं है, तुम्हारा आधार नहीं है, तुम लटके हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें आधार दिया यीशु मसीह। यिर्मयाह 17:7-8 निकालिए। यिर्मयाह 17:7 क्या कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज भी ऐसे कई बहन हैं, भाई हैं, जो दो विचारों में लटके हुए हैं। कलीसिया में आते हैं तो यीशु के हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो किसी और के हो जाते हैं। तभी आप नहीं पाते, तभी आप उसके सामर्थ को महसूस नहीं करते, तभी आप अशांत रहते हैं, तभी आप डरे हुए रहते हैं, क्या होगा मेरी जिंदगी का, क्या होगा? क्योंकि आप एक के साथ नहीं हैं, आप 10 के साथ होना चाहते हैं। हालेलुया। वो कहता है क्यों? इज़राइलियों, हे याचकों, क्यों दो विचारों में लटके हुए हो? क्योंकि तुम दो विचारों में हो इसलिए लटके हो। अगर तुम परमेश्वर के होते तो एक आधार में होते। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 17:7 क्या कहता है? धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने यहोवा को पर अपना भरोसा रखा हो और जिसने यहोवा को अपना आधार बनाया हो। मेरा आधार कौन है? मेरा यीशु। हालेलुया। मैं लटका हुआ नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं लटका हुआ नहीं हूं।
बोलिए मैं लटका हुआ नहीं हूं, मेरा आधार यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपका आधार यीशु होगा मेरी बहन, जिस दिन आपका आधार परमेश्वर होगा, आप विचलित नहीं होंगे, शैतान आपको हिला नहीं पाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है। धन्य है वह मनुष्य जिसने परमेश्वर को अपना आधार मनाया है, धन्य है वह मनुष्य जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया है और यहोवा ही उसका आधार है। हालेलुया। क्यों उसने धन्य कहा? क्योंकि पढ़िए, वचन पढ़िए, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्योंकि जो कोई यीशु कहता है, जो कोई मेरी ये बातें मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हेलो, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। अगर आपका आधार परमेश्वर है तो आपका घर कहां पर है? चट्टान पर है। क्योंकि चट्टान पर क्या होता है? पढ़िए बहन। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर की टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। आंधियां आई, बारिश हुई, तूफान आया, लेकिन उसका घर नहीं गिरा, क्योंकि उसका घर कहां था? चट्टान पर था। अगर आपका आधार परमेश्वर नहीं है मेरी बहन, तो आंधियां तूफान आपके घर को हिला देंगे, शैतान आपको हिला देगा। अपने जीवन का आधार परमेश्वर को बनाइए और एक ही विचार में चलिए, दो विचार नहीं। हालेलुया। पहला 18 का 21, प्रेज़ द लॉर्ड। दो विचार नहीं, इसलिए वो कहता है इज़राइलियों, क्यों तुम दो विचारों में लटके हुए हो? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। एक मिनट। और एहलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बताने के लिए कि दो विचार नहीं, एक ही पिता है। 10 पिता नहीं है, एक ही पिता है। 10 नाम नहीं है, एक ही नाम है, और वो है यीशु मसीह। स्वर्ग से आकर यीशु ने बताया कि दो विचार नहीं, एक विचार। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया, कोई धर्म लेकर नहीं आया। वो कहता उस पिता को जाने जानो जिसने आकाश और धरती की रचना की है, जिसने सृष्टि की रचना की, और जिसे जिसने आपको अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए वो कहता है दो विचार नहीं। अगर आप दो विचारों में चलेंगे तो आप लटकेंगे, अगर आप दो विचारों में चलेंगे तो आप लटके रहेंगे, दो नाव पे सवार होंगे तो कभी पार नहीं हो पाएंगे, कभी पार नहीं हो पाएंगे आप। एक विचार, एक नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अमोस 3:3 क्या कहता है देखिए आप। अगर आपके पास एक विचार नहीं है, अगर आपके पास एक वचन नहीं है, अगर आपका दृष्टिकोण एक नहीं है, अगर आपकी सोच एक नहीं है, अगर आपके मन में एक प्रभु नहीं है, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। अमोस 3:3 क्या कहता है? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि दो मनुष्य एक ही मन के ना हो तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। अगर पति पत्नी एक ही मन से ना चलें, घर चलाएं, तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं। एक देख रहा है उत्तर में, एक देख रहा है दक्षिण में, तो आप जीवन को बिता पाएंगे? नहीं। साथ चलने के लिए एक मन होना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले, तो आपको परमेश्वर के मन के मुताबिक अपने जीवन को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके मन को बदला है, वो धोखेबाज मन जो आपके अंदर था, जिसमें असाध्य रोग था, उस मन को परमेश्वर ने चेंज कर दिया है, बदल दिया है। अब वो क्या चाहता है? उस नए मन को यीशु के मन के मुताबिक बनाओ और चलो। हेलो,
ये काम किसका है? मेरा और आपका है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का मन किसने दिया? परमेश्वर ने। कहां पर है यीशु मसीह का मन? हमारे अंदर। हालेलुया। वो मन जो परमेश्वर के मन को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मन जो परमेश्वर की योजनाओं को जानता है, वो मन जो परमेश्वर की बुद्धि को जानता है, वो कहां पर है? आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और आपके मन को नया किया है, तो आपको कैसे चलना है? उस मन के मुताबिक जो यीशु का आपके अंदर है, वो आपको गाइड करेगा। ये आपके ऊपर है मेरी बहन। हेलो, ये आपके ऊपर है। आपका छोटा बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा जब माँ की कोख से निकलता है, अगर आप गुजराती हैं, आप मराठी हैं, आप पारसी हैं, आप तेलुगु हैं, आप तमिल हैं, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप तमिल हैं, तो जैसे ही बच्चा आपका पैदा होगा, आप उसे क्या बताएंगे? अपनी भाषा बतानी शुरू करेंगे। हालेलुया। एक मराठी औरत है, वो अपने बच्चे को कैसे टीच करेगी? वो बोलेगी आई बोलो मुझे। क्या बोलो? आई। बंगाली में क्या बोलती है माँ को? माँ। बंगाली वाले बोलेंगे माँ बोल, माँ, मम्मी नहीं, माँ बोल, बाबा बोल। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने बच्चे को अपनी भाषा बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार नहीं, रोज बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। माँ बोल, बाबा बोल, आप अपनी भाषा बताएंगे, क्योंकि आपको उसकी उसको अपनी भाषा सिखानी है, क्योंकि आपको उसको अपने साथ लेके चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरीके से आपको अपने मन को सिखाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन को यीशु मसीह के मन के मुताबिक चलाएं। हम अपने मन को बताएं, नहीं यीशु ही प्रभु है, नहीं यीशु का वचन ही सत्य है, नहीं संसार संसार कुछ नहीं है। हालेलुया। ये मोह माया कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये पैसे की कोई कीमत नहीं है, नहीं, हमें अपने मन को समझाना, नहीं नहीं नहीं, झूठा रिश्ता कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? प्रभु का रिश्ता। तो उस सच्चे रिश्ते के संग अपने जोड़ को जोड़े, हम अपने रिश्ते को बनाए, और अगर हमारा रिश्ता उसके संग बन गया मेरी बहन, तो हमारे जीवन में कोई अशांति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप कैसे चल रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए एलिया को बोला, प्रकट कर, प्रकट कर, प्रकट कर मुझे। और इस्राएलियों को क्या बोला एलिया ने? कि दो विचारों में मत लटको। तुम दो विचारों में लटकोगे, निकालिए पहला, पहला राजा 21:22। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखिए, एलिया परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की ताकत को बताने वाला है कि परमेश्वर कौन है। तुम बाल देवताओं को पूछते हो, तुम अशेरों को पूछते हो, ठीक है, आज हम बताएंगे कि कौन सही है, कौन असली है। हालेलुया। वो मूर्ति सही है या मेरा यीशु सही है? प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा? कि कर्मेल पर्वत पर जाओ और अपने लिए एक वेदी बनाओ, लकड़ी की एक वेदी बनाओ अपने लिए, और लकड़ी की एक वेदी बनाऊंगा मैं अपने लिए। हेलो, ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। और उस वेदी पर, एक वेदी पर आप एक बकरा काटकर बलिदान चढ़ाएं, और एक बकरा मैं काटकर अपनी वेदी पर बलिदान चढ़ाऊंगा, और दोनों प्रार्थना करेंगे अपने अपने परमेश्वर से। आप बाल देवता से प्रार्थना करना, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हम आग नहीं जलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम आग नहीं जलाएंगे। हमारी प्रार्थना से अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो वो लकड़ी को आग देगा। हालेलुया। अगर मेरा परमेश्वर सही है, तो प्रार्थना के बल पर लकड़ी जल पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर सही नहीं है, तो आग नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, ये कब होगा हमारे जीवन में? जब हम उस सामर्थी परमेश्वर को अपने अंदर रखते हुए चलेंगे।
आप क्यों डरते हैं? छोटी सी मुश्किल, छोटा सा बिल, छोटा सा आपका किराया, आपका कर्जा आपको हिला देता है, छोटी सी बीमारी आपको हिला देती है। प्रार्थनाओं की शक्ति क्या है मेरी बहन? एलिया ने बताया हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम उस सामर्थ्य परमेश्वर को भूल जाते हैं, छोटी सी समस्याएं हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, भैया ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरा बच्चा स्कूल से निकल गया है, मेरे पति की नौकरी चली गई है, हे अंकल, हे चाचा, हे मामा, हम मामा चाचा को पुकारते हैं। उस परमेश्वर को नहीं पुकारते जो चाचा मामा से सबसे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है दो विचारों में मत लटके रहो, क्योंकि दो विचारों में लटकोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो प्रमाण देता है और प्रमाण के लिए उसने परीक्षा रखी सामने। पढ़िए बेटा आगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य है। 25 से पढ़ो, 25 से, 25 से। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाल देवता के पुजारी क्या कह रहे थे? उन्होंने वेदी बनाई और लकड़ी पर अपना बलिदान चढ़ाया और चिल्लाने लगे, हे बाल देवता हमारी सुन, हे बाल देवता हमारी सुन। लेकिन कोई बाल देवता वहां पर नहीं था, कोई नहीं था जिसको वो पूछते थे, कोई पत्थर की मूर्ति जवाब नहीं दे रही थी, कोई बाल देवता जवाब नहीं दे रहा था, कोई अशेरा की मूर्ति जवाब नहीं दे रही थी। वो यहां तक अपने 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 शरीर को काट रहे थे ताकि उनका प्रभु सुने, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस लकड़ी के चारों तरफ वो घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, यीशु कहता है, मेरे बिना उस सत्य को नहीं जान सकते, मेरे बिना आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। चाहे आप कितनी धन दौलत के साथ, चाहे आप कितने नगाड़ों के साथ, चाहे कितने बैंड बाजों के साथ, आप अपने प्रभु का नाम लें, लेकिन अगर मार्ग आपको नहीं पता है, सत्य आपको नहीं पता है, तो दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दरवाजा सिर्फ एक ही नाम से खुलेगा और वो है यीशु। वो है यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पढ़े, 30 से 38। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड। बाल देवता के जो पुजारी थे वो लटके हुए थे, उनके पास कोई आधार नहीं था। हालेलुया। तो उन्होंने कैसे प्रार्थना शुरू की? लकड़ियां जमा की, उनके ऊपर बलिदान लगा दिया। लेकिन एलिया के पास क्या था? आधार। एलिया के पास था परमेश्वर का वचन। एलिया के पास था क्या? परमेश्वर की वाचा। एलिया के पास क्या था? परमेश्वर का सामर्थ। उसने लकड़ी लगाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर की वेदी को ठीक किया, जिस वेदी को लोगों ने ढा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ध्यान से रखिए, हम अपने जीवन में जब प्रभु को बुलाएं तो
तो आप विश्वास करिए, आप देखिए कि आपके जीवन में उसकी वेदी है कि नहीं है। बिना आधार के हम उससे प्रार्थना ना करें। प्रेज द लॉर्ड। उसकी वेदी क्या है? उसकी वाचा, उसकी वेदी क्या है? उसका न्याय, उसकी वेदी क्या है? उसका प्यार, उसकी वेदी क्या है? उसका अनुग्रह। क्या परमेश्वर की वाचा के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं? अगर परमेश्वर की वाचा आपके जीवन का आधार है, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन का आधार है, तब आप प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। एलिय्याह ने क्या कहा? जिस वेदी को वो तोड़ चुके थे, पहले उसने उस वेदी को लगाया, वेदी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आगे फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्र छाटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर को अगर जानना है तो आप परमेश्वर के इतिहास को समझना पड़ेगा, इब्राहिम और परमेश्वर के रिश्ते को जानना पड़ेगा, तब आपके अंदर उसके जो प्यार है वो उत्पन्न होगा। परमेश्वर और याकूब के रिश्ते को समझना पड़ेगा, उसकी योजनाओं को जानना पड़ेगा कि किस तरीके से याकूब के 12 पुत्रों को उसने 12 गोत्र बनाए, और वो गोत्रों के हिसाब से ही आज हम भी किसी ना किसी गोत्र से हैं। हम किसी ना किसी गोत्र से हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 3:14 निकालिए। इफिसियों 3:14, इफिसियन 3:14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिस स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आमीन। पौलुस कहता है, मैं इसीलिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर हर कुल के घराने का नाम परमेश्वर की ओर से रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप किस कुल में जन्म लेंगे, आप किस गोत्र में जन्म लेंगे, ये परमेश्वर डिसाइड करता है, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसलिए हम जहां भी हैं, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हर गोत्र की परमेश्वर के द्वारा एक अहमियत है, उसका अस्तित्व है। इसलिए उसने 12 गोत्र बनाए, और एलिय्याह ने क्या कहा? 12 पत्थरों को वहां पर रखा। उस वेदी को बनाने के बाद 12 पत्थर जो कि गोत्र के रूप में थे, जो कि गोत्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन 12 पत्थरों को उसने बनाया, और उसके बाद लकड़ी रखी। 12 पत्थरों को रखने के बाद उसने आजू बाजू उस वेदी को गहरा गड्ढा सा बना दिया उसने आसपास। प्रेज द लॉर्ड। पानी था वहां पर, अकाल था। हेलो, वो अकाल का देश था, वहां पर जानवरों को पानी नहीं मिल रहा था। देखिए परमेश्वर के सामर्थ को, आगे वचनों में आप देखेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने वेदी पर लकड़ी बनाई। हमारा आधार उसकी वाचा होना चाहिए। उसने वेदी को बनाने से पहले वेदी का आधार बनाया, परमेश्वर की वाचा को उसने रखा, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को। क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं? वो चाहता है कि आपकी पीढ़ी जाने। उसने कहा कि अपनी पीढ़ियों को बताओ कि मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो वेदी के पत्थर, वो गोत्रों के पत्थर, ये प्रमाण देते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो जीवित है, उसको कोई नहीं मार सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। अगर आप उस आधार को समझेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप चर्च आते हैं, बिना जाने परमेश्वर को आप उसे मांगते हैं, वो आपको देता है, आपकी इच्छा को पूरा करता है। लेकिन मेरी बहन, अगर आप
उसकी वाचा को समझ लेंगे, उसकी इच्छा को समझ लेंगे, उसकी योजना को जानेंगे, उसके इतिहास को समझेंगे, उसके नबियों को जानेंगे, तब आपका जो प्रेम है ना वो दिन पर दिन और मजबूत होता जाएगा, और मजबूत होता जाएगा। तब आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का आधार है, उसका बेस है, उसकी योजना है, उसकी वाचा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वेदी बनाने के बाद उसने आदेश क्या दिया कि 4 घड़े पानी इसमें डालो। हालेलुया। अगला, तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब उसने कहा दूसरी बार भी वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया। हेलो, उस देश में पानी नहीं था। राजा आप सामने खड़ा हुआ है, बाल देवता के 400 याजक खड़े हुए हैं, अशेरा के 450 याजक खड़े हुए हैं, इजराइली खड़े हुए हैं, सैनिक खड़े हुए हैं, जानवरों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, और एलिया आदेश दे रहा है, ऐ राजा आप अपने सैनिकों को आदेश दे, इसमें पानी डाल। किसमें पानी डाल? उस लकड़ी पर। प्रेज द लॉर्ड। अशेरा के याजकों के पास सूखी लकड़ी थी, बाल देवता के याजकों के पास सूखी लकड़ी थी, वो सूखी लकड़ी के आजू बाजू घूमते रहे और प्रार्थना करते रहे, आग नहीं जली। ये जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया जानता है कि मेरा प्रभु कौन है। वो अपनी लकड़ियों को गीला कर रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मुश्किल आने के लिए, मुश्किल अगर आपके जीवन में कदम रखती है, उसको बोलो आओ। अरे मुश्किल आओ, मुझे छोटी मुश्किल नहीं चाहिए, मुझे बड़ी मुश्किल चाहिए, मुझे मुश्किलों का पहाड़ चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस चट्टान को तोड़ेगा। मुश्किलों से मत डरो, परमेश्वर को पहचानो। एलिया परमेश्वर को जानता था, एलिया परमेश्वर को पहचानता था, वो अपनी लकड़ी को गीला कर रहा है। हेलो, और राजा आहाब और उसके सैनिक खुश हो रहे हैं कि हमारी सूखी लकड़ी तो जली नहीं, इसकी गीली लकड़ी जलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही होता है, हमारे घर में मुश्किलें आती हैं और हम आनंद से स्तुति आराधना करते हैं, हमारे पड़ोसी हंसते हैं, अरे ये क्या हो रहा है यार, ये कैसा परिवार है, दुख है तब भी स्तुति कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हम जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पड़ोसी आए, अरे भाई क्या हुआ, आपका धंधा बंद हो गया? कहता हाँ धन्यवाद परमेश्वर का। अरे पागल हो गया, इसका धंधा बंद हो गया, मैं अफसोस करने के लिए आया हूं, और ये बंदा कहता है आनंद से कि धन्यवाद परमेश्वर का। अरे तेरे कारीगर भाग गए, धन्यवाद परमेश्वर का। कहता ये आदमी मेंटल हो गया, इसको दिखाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं जानता है कि हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास यीशु है। इसलिए एलिया को पता था कि मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है और डाल पानी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और जो गड्ढा उसने खोदा था वो पूरा गड्ढा पानी से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। जल, ध्यान से सुनिए, जल किसको रिप्रेजेंट करता है? वचन को। जल, पानी, जीवन का जल कौन है? किसने कहा था जीवन का जल कौन है? मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। जल किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु को। अगर आपके मुश्किलों के आजू बाजू यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। उस वेदी के आसपास कौन था? हालेलुया। उस गीली लकड़ी के आजू बाजू कौन था? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर कौन है? हालेलुया।
बहन रोज अपने अंदर को चेक करो, मेरे अंदर इश्यू है कि नहीं है, मेरा प्रभु मेरे अंदर है कि नहीं है। हालेलुया। तीन बार उसने लकड़ियों को पानी से डुबो दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 36वां, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तेरे तुझे वचन वचन पाकर किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया क्या कर रहा था? परमेश्वर से बात कर रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर क्या करेगा, वो जानता था। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपके अंदर से ये भुलाना चाहता है कि परमेश्वर क्या करेगा। हेलो, शैतान आपको इन ऐसी समस्याओं में उलझा देगा कि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा और आप बह जाते हैं उसके चक्कर में, आ जाते हैं। Praise the Lord। वो जानता था कि परमेश्वर क्या करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मुसीबतों का खात्मा परमेश्वर करेगा। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे हर बीमारी से, हर बीमारी से, हर रोग से, हर दुख से तुझे छुटकारा दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। Praise the Lord। आपको पता होना चाहिए मेरी बहन कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाला है। हालेलुया। हो सकता है आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा है, हो सकता है आपका पति आपको नहीं देख रहा है, किसी और से प्यार कर रहा है, हो सकता है आपका धंधा चौपट हो रहा है, लेकिन उस मुश्किलों में भी अगर आपका भरोसा यीशु है, अगर आपका आधार परमेश्वर है, तो परमेश्वर हर चीजों को सुलझा देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका बच्चा ईमानदार और आशीष पाया हुआ दिखेगा, वो लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो पति जो आपको मारता था, वो पति जो नशा करता था, वो पति जो आपसे दूर था, वो आपके करीब आएगा और आपके आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका भरोसा यीशु पर है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने अपनी लकड़ियों को गीला कर दिया। क्यों गीला कर दिया? क्योंकि उसका आधार परमेश्वर था, वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला है। एलिया जानता कि मेरा वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। एलिया जानता था कि मेरा परमेश्वर वो है जो यर्दन नदी को दो भागों में बांटता है, ऊपर की धारा ऊपर रह गई, नीचे की धारा नीचे आ गई। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है जो यहोशू के कहने पर सूरज को रोक देता है। मैं उस परमेश्वर की पूजा करता हूं, मैं उस परमेश्वर के सामने हूं, मैंने उस परमेश्वर के नाम से वेदी सजाई है। हालेलुया। वो जानता था मेरा परमेश्वर कौन है। मेरे भाई, आपको जानना जरूरी है। अगर आप मसीह हैं तो आपको यीशु को जानना जरूरी है। अगर आप चर्च जाते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आपका परमेश्वर कौन है, आपका यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है। हम ऐसे परमेश्वर के सामने आए मेरी बच्ची जो जीवित है, जो जीवित है। हम ऐसे प्रभु के सामने आए जो सुनता है, बहरा नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर के सामने आए जो बोलता है। हालेलुया। इसलिए एलिया का विश्वास चरम सीमा पर था। प्रेज द लॉर्ड। वो गिड़गिड़ाया नहीं कि परमेश्वर तू इन लकड़ियों को जलाएगा कि नहीं जलाएगा। हम ऐसी प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में सुख आएगा कि नहीं आएगा, मेरे कर्जे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर आप दो विचारों में नहीं लटके हुए हैं
परमेश्वर आपके कर्जों को निकालेगा। दो विचारों में नहीं, हमें दो विचारों में नहीं लटकना मेरी बहन, आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक विचार, एक नाम, एक प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई सामर्थ नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वो जीवित परमेश्वर जो आपसे बात भी करता है और आपके मन में भी रहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे बड़ा हमदर्द कौन होगा जो आपके लिए मेरी बहन अपने लहू को बहाता है, जो बताता है कि मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं कि मैंने अपने लहू को बहाया ताकि तू सुख भोगे। हालेलुया। इतना प्यार करता है तुझे यीशु, ना बाप ना बेटा ना भाई ना बहन, कोई इतना प्यार नहीं करेगा जितना यीशु करता है। कोई नहीं है, सब दिखावे के रिश्ते हैं। यीशु एक रिश्ता है, यीशु एक सच्चाई है, यीशु एक सच है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने तीन बार लकड़ियों को भिगोया और परमेश्वर से कहा, आगे, हे युवा मेरी सुन, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे युवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, तू ही परमेश्वर है, तू ही मनों को जांचने वाला है, तू ही मनों को फेरने वाला है, तू ही मनों में काम करता है। क्या कहता है परमेश्वर, भजन संहिता 91 का 14, उसने जो मुझसे प्यार किया है उसके मन में मैंने प्यार देखा है। जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके मन में अपने लिए प्रेम देखेगा, वो कहता है कि मेरी बच्ची मुझसे प्यार करती है। अगर वो आपके मन में अपने लिए प्रेम देखता है, वो कहता है कि मैं अपनी बच्ची को हर मुसीबत से छुड़ाऊंगा, हर बीमारी से छुड़ाऊंगा, हर आफत से छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, वो मनों को जांचने वाला है। आपका मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम शरीर से परमेश्वर को प्यार करते हैं, मन से नहीं। इसलिए हम दो विचारों में लटके रहते हैं, इसलिए दो विचारों में लटके हुए हम ना इधर के रहते ना उधर के रहते। हमें एक का होना है, हमें एक का होना है। प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु के अंग हैं, हम शरीर, हम कलीसिया के अंग हैं, यीशु के अंग हैं, और ईमानदारी के संग हमें उस अंग बन के रहना है। और जैसे ही उसने कहा कि परमेश्वर तू मनों को जांचने वाला है, बता परमेश्वर, तू बता कि तू कौन है, बता अपना सामर्थ्य दिखा, आकाश खुला, आग गिरी और गीली लकड़ी जलने लगी। आकाश से आग गिरी, गीली लकड़ी जलने लगी, उनकी सूखी लकड़ी नहीं जली, क्योंकि वो दो विचारों में लटक रहे हैं। मेरे भाई, अगर परमेश्वर आपका आधार है, आपके जीवन की गीली लकड़ी जलेगी। yes, कोई भी जीनी, कोई भी गीली लकड़ी क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी आपने सुना नहीं होगा कि गीली लकड़ी जलती है, लेकिन विश्वास करिए, परमेश्वर को समर्पित करिए, उसकी आग आपकी गीली लकड़ी को जलाएगी, आपकी मुसीबतों को जलाएगी, आपके दुख को जलाएगी। कितना भी दुख हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, कैसी भी दुविधा क्यों ना हो, कैसी भी रुकावट क्यों ना हो, कितने ही दरवाजे बंद क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर दरवाजे को खोल सकता है। गीली लकड़ी, 2007 में परमेश्वर ने मुझे गीत दिया था, गीली लकड़ी भी जल सकती है, अपने विश्वास की चिंगारी जला भर, दिया आंधियों में भी जलता है जो विश्वास तो यीशु को बुला घर। आमेन। यीशु को अपने घर बुला,
अपने घर में यीशु के लिए दरवाजा खोल, तेरी हर गीली लकड़ी जलेगी मेरी बच्ची, और जिसकी रोशनी दुनिया देखेगी उस गीली लकड़ी में से धुआं नहीं निकलेगा। अक्सर होता क्या है, गीली लकड़ी में धुआं निकलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर गीली लकड़ी में धुआं नहीं निकला, यहां पर आग निकली, जला दिया। परमेश्वर के सामर्थ ने उस गीली लकड़ी को जला दिया। यहां जो बाल देवता और अशेरा के याजक थे, उनको बता दिया कि परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, सामर्थी पिता कौन है, रचयिता कौन है, मुक्तिदाता कौन है, कौन है वो, कौन है, उनको बताया। उनतीस पढ़िए, 39 इसी का, 38 पढ़िए, 38 से पढ़िए जल्दी से। तब यहोवा की आग, तब यहोवा की आग गिरी, प्रकट हुई और होमबली को लकड़ी और पत्थर को धूली समेत भस्म कर दिया और गड़े में का जल भी सुखा दिया। आमेन। उस वेदी के आसपास जो जल था, प्रेज द लॉर्ड, वो भी सूख गया। 29वां, 39। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर के बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। हालेलुया। मेरे भाई, जिस दिन आप परमेश्वर को प्रकट करेंगे दुनिया के सामने, आपका शैतान, आपकी चुनौती, आपका दुख, आपकी मुश्किल, जब आप उसके सामने यहोवा को प्रकट करेंगे, यीशु को प्रकट करेंगे, वो चुनौती, वो मुसीबत मुंह के बल गिरेगी आपके सामने। शैतान हाथ जोड़ेगा, आपके दुश्मन हाथ जोड़ेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। उनको मानना ही है, कोई उपाय नहीं है, दुनिया को मानना है कि यीशु ही परमेश्वर है, मानना है। इसलिए यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, दुनिया, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन नहीं टल सकता है, नहीं टल सकता है। मेरी बहन, विश्वास करिए, विश्वास करिए, और आग, अपनी आग, परमेश्वर की आग आज लेकर घर जाइए। प्रेज द लॉर्ड। वो जो आग आकाश से गिरी है मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप उस आग को पहचाने, उस सामर्थ को पहचाने, उसकी वाशा को पहचाने, उसके प्रेम को पहचाने। भूल जाइए सबको, किसी और के सामने नतमस्तक मत करिए। एक ही परमेश्वर है, एक ही आशीष है, एक ही आसमान है, एक ही है यीशु, और दूसरा कोई नहीं है। हमें उसको जानना है, उसके सामने नतमस्तक करना है, उसको अपने अंदर रखना है। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके मंदिर हैं। उसकी आंख, कितने लोग चाहते हैं कि उसकी आग आज हमारे मन में काम करे, हमारे जीवनों में काम करे। विश्वास करिए, विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आज आप यूं ही मत जाइए मेरी बहन, मैं आपसे सच कह रहा हूं, आज उसकी आग को अपने साथ रखिए, आग को लेके जाइए, दुनिया के सामने प्रकट करिए कि मेरा यहोवा कौन है, मेरा यीशु कौन है। बताइए अपने पड़ोसी को, बताइए अपने रिश्तेदारों को, बताइए इस संसार को कि मैं किस यीशु को प्यार करती हूं, कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, आप दुनिया के सामने खुद को प्रकट, दुनिया के सामने आप परमेश्वर को प्रकट करिए, आकाश से बारिश होगी आपके जीवन में। अगर आप सूखे में घूम रहे हैं, अगर आप मुश्किलों में हैं, सूख चुकी हैं आपकी उम्मीदें, आपकी आशा सूख चुकी है, और आपको इंतजार है उसके आशीषों का, प्रकट करिए, प्रकट कर। एक ही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करेंगे,
आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरी बच्ची मेरी इच्छा को पूरा करे। क्या चाहते हैं आप? आपकी इच्छा पूरी हो या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो आपके जीवन में? और जिस दिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी मेरी बहन, उस दिन आपका जीवन ही अलग होगा। उस दिन आप सोचेंगे नहीं अपने कल के लिए, अपने कल के लिए नहीं सोचेंगी बहन आप, वो कल रचने वाला आपके साथ है। जिसने सृष्टि को रचा वो आपके संग है। जिसने सृष्टि को रचा उसके उसकी सब योजनाओं को आप जानते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हमें संसार पर प्रकट करना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग आज से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आज से मेरे द्वारा परमेश्वर प्रकट हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुबह उठ के प्रार्थना करिए, वचनों को मनन करिए, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करिए और अंगीकार करिए सबके सामने कि वो कौन है। शर्माइए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं? आज का वचन हमने ग्रहण किया? बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।